जय माता दी, जय माँ कामाख्या, कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी कम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मिणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भाकल्याणम दाकनक चंपक धामभूषाम उतुंग बिन कुछ कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय। ओम ओम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम देवी प्रपन्नता ती हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर्ग ज्योखिलश्च प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वंत विश्वरी देवी चराचरश्च। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज सदा काम फिट निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली घरालिका या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमत्तस्य 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 नमो नमः। पापापहारिणीं देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनीम अनंतं विज्ञां शुद्धं शरण्यं शिवदां शिवां। ओं हौं जूं सह ओं भूर्भुवस्वः ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमी वंदनानं मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वः भुवः भू ओं सः जू हौं ओं। माँ भगवती जगत जननी और आदि शक्ति भवानी और परम पिता परमात्मा आपके कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे संकट हरे। ये जितनी भी स्तुति मैं बोलता हूँ श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती और कामाख्या माँ इन सबकी स्तुति बोलने से आपके पिछले जन्म के पापों का शमन होता है। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। भगवान ने आपको ज्ञान दिया है बुद्धि दी है सोचने समझने की शक्ति भी दी है। निर्णय लेना अब आपके हाथ में है कि इन स्तुतियों को आप बोल पाते हो या नहीं बोल पाते हो सुन पाते हो या नहीं सुन पाते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिनका भाग्य खुलना होगा जिनका कष्ट कम होना होगा वो इन स्तुतियों को याद करके बोलेगा सुनेगा श्रवण करेगा और जब भी पूजा पाठ होती है अपनी उस समय पे इनके नाम से हवन करेगा। अगर हवन नहीं कर सकता तो कम से कम 5 बार 11 बार इन स्थिति को याद भी कर ले तो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की कृपा अवश्य मिलेगी ये निश्चित है। क्योंकि यह जो मंत्र है आप सुनते हैं बार बार ये गुरु मुख से सुनते हैं और ऐसा कहा जाता है कि मंत्रों को गुरु मुख से ही सुनना चाहिए और लेना चाहिए। तो ये हम मंत्र आपको क्योंकि आप ज्ञान ले रहे हैं और हम ज्ञान दे रहे हैं तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम आपके यहाँ गुरु बन गए। चाहे वो विधि विधान का पालन हुआ हो या नहीं हुआ वो अलग बात है परंतु यदि इन मंत्रों को आप भी गुनगुनाओगे तो इन मंत्रों के लिए हम आपके स्वतः गुरु बन चुके हैं। आप इन मंत्रों का प्रयोग करिए निश्चित तौर से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जय माता दी जय माँ कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति हमारे द्वारा विभिन्न अलग अलग विषयों पर धर्म के समय समय पर आपको सूचना ज्ञान प्रदान किया जाता है। आनंद और परमानंद प्राप्त करने के लिए भजन भी करना चाहिए। भजन जब करोगे तो ही आनंद की प्राप्ति आएगी और आनंद जब मिलता है और हम उस ईश्वर से जब एकाकार हो जाते हैं भजन में तो हमें परमानंद की प्राप्ति होती है और वहीं पर ईश्वर उपस्थित होता है।
तो परमानंद प्राप्त करने के लिए पहले आनंद की सीढ़ी चढ़ना पड़ेगी, और आनंद की सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको भजन अवश्य करना होगा। अब वो ध्यान का भजन हो सकता है, मंत्र बुदबुदाने का भजन हो सकता है, या फिर राधे कृष्ण का भजन हो सकता है, देवी माँ का भजन हो सकता है, भैरव जी का भजन हो सकता है। मतलब भजन गाते समय आप अपने आप को ये भूल जाओ कि इस पृथ्वी लोक पर हो, तो समझ जाओ आपको परमानंद की प्राप्ति हो गई है। आनंद के ऊपर परमानंद है, परमानंद ही ईश्वर है। अब भजन करने के लिए आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा बेशरम होना पड़ता है, तो आप भजन गाने लगोगे। क्यों शर्माते हो? अरे भगवान का नाम ले रहे हो, उस ईश्वरी तत्व का नाम ले रहे हो जिसने ये सृष्टि चलाई है, उसका नाम लेने के लिए काय को शर्माते हो? मनुष्य कहते हैं, नहीं साहब, हम भगवान का नाम क्यों लें, गा करके क्यों लें? अरे उसमें डूबना पड़ेगा, तो रस के अंदर डूबना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा कि रस मीठा है या कड़वा है, गुड़ जैसी चाशनी वाला रस है या कैसा रस है। तो इसके लिए भजन होते हैं, भजन गाना होता है। तो हम आपको एक भजन सुना रहे हैं, आप भी सुने और उस भजन को याद कर लें, आनंद अवश्य आएगा आपको। गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, गोपाल ग्वाल बाल राधा कृष्ण जय। गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, गोपाल ग्वाल बाल राधा कृष्ण जय। कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय। गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, गोपाल ग्वाल बाल राधा कृष्ण जय। कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय। गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, गोपाल ग्वाल बाल राधा कृष्ण जय। कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय। गोपिका मालाहारी प्यारी माई, मीरा मन विहारी मदन मोहन मुरली धारी, कृष्ण जय। गोपिका मालाहारी प्यारी माई, मीरा मन विहारी मदन मोहन मुरली धारी, कृष्ण जय। कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय। इस मंत्र को बिल्कुल लय ताल और सुर में यदि ढोलक मंजीरे के साथ आप गाएंगे, निश्चित तौर से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और न भी हो तो आप ताली बजा करके कर सकते हो, घर पे टेबल होती उस टेबल पर भी धुन निकाल करके आप कर सकते हो, बस ये कि आपको थोड़ा सा भजन पूजन में इंटरेस्ट हो। गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, गोपाल ग्वाल बाल राधा कृष्ण जय। कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय। गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, गोपाल ग्वाल बाल राधा कृष्ण जय। कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय। गोपिका मालाहारी प्यारी माई, मीरा मन विहारी मदन मोहन मुरली धारी, कृष्ण जय। कृष्ण जय, जितनी देर शायद आपने भजन सुना होगा, आपके यदि शरीर में कष्ट है तो कष्ट आपको महसूस नहीं हुआ होगा। बस जब कष्ट महसूस होना बंद हो जाए, परेशानी महसूस होना बंद हो जाए, मनुष्य को तकलीफ महसूस होना बंद हो जाए, मनुष्य को दुख महसूस होना बंद हो जाए, तो समझ जाओ वहां पर ईश्वर का वास होता है। तो इसलिए आपको भजन अवश्य गाना है। जिस इष्ट का, जिस देवी का, जिस देवता का आपको भजन सुनने में, गाने में आनंद की प्राप्ति हो, वो भजन अवश्य गाना चाहिए, ताकि उस ईश्वर की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो सके।
और वो आपके ऊपर निगाह डाल सके। यदि उस ऊपर वाले परमपिता परमात्मा ने यदि एक बार भी निगाह डाल ली तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप मेरा मंतव्य समझ गए होंगे। मेरा मंतव्य सिर्फ इतना सा है कि आप ईश्वर की शरण में जाओ। 24 घंटे में से सिर्फ 1.25 घंटा सवेरे और 1.25 घंटा शाम को ईश्वर को याद कर लो। निश्चित तौर से धीरे धीरे आपके ऊपर कृपा आने लगे। क्योंकि जिंदगी भर खाना है, जिंदगी भर पैसे के लिए हाय हाय करना है, और जिंदगी भर सोना है, और जिंदगी भर उठना है। परंतु इस मनुष्य जीवन में आने के बाद में यदि आपने ईश्वर को याद नहीं किया तो बाद में आपको कुछ समय पश्चात जब आपकी प्रौढ़ अवस्था आ जाएगी तब महसूस होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि मैं ईश्वर को याद नहीं करता था। इसीलिए ईश्वर को याद करें, जिसमें आपका मन रम जाए उसके अंदर चले जाए। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम राम 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 श्री राम राम राम। इस तरीके से ईश्वर को याद करो। ताकि आपके पापों का क्षय हो। कष्ट आने का मतलब है पिछले जन्म के पाप आपके सामने आके खड़े हो गए हैं, और सुख मिलने का मतलब है पिछले जन्म के पुण्य कर्म आपके पास आकर के खड़े हो गए हैं। ये तो हुआ श्री रामचंद्र जी की बात। हो सकता है उनकी निगाह पड़ जाए तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, कष्ट दूर दूर हो जाएंगे। और व्यक्ति आपने भी देखा होगा जो अधिकतर वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जिसने जिंदगी भर कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, दीपक नहीं लिया, अगरबत्ती नहीं लगाई, वो भी मनुष्य भी मरते वक्त चाहे स्त्री हो या पुरुष हो राम शब्द उसके मुंह से निकलता है कि हे राम ले ले अब उठा ले मुझे, हे राम ले ले मुझे उठा ले। राम ही क्यों निकलता है? क्योंकि राम बोलने में बहुत साधारण शब्द है, अलग से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। राम। इसी प्रकार स्वयं भोलेनाथ वो स्वयं भी जो है राम शब्द को बार बार उच्चारण करते रहते हैं, ऐसा अपने शास्त्र कहते हैं। तो भोलेनाथ के भी ऐसे बहुत सारे स्तुतियां हैं, भजन हैं, जिनमें आप रम सकते हो। आधे घंटे एक घंटे जैसे मैंने कहा कि 1.25 घंटा सवेरे और 1.25 घंटा शाम को आपको ईश्वर में लीन होना है। अरे लोग बा कहने दो, परिवार वाले कहने दो कि बड़ा भजन भक्ति में चला गया है, बड़ा पंडित बन रहा है, बोलने दो, शायद उनके भी समझ में आ जाएगा एक समय के पश्चात आपकी कीमत क्या है, आप हीरे बन जाओगे तब। अभी तो थोड़ा कुंदन के रूप में तपना होगा आपको कुंदन बनने के लिए। तो चंद्रशेखराय नमः, चंद्रशेखराय नमो, गंगाधराय नमो, हर हर हराय नमो, ओम नमः शिवाय नमो, शिव शिव शिवाय नमो, चंद्रशेखराय नमो। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। जूट जटा में गंगा धारी, त्रिशूल धारी डमरु बजाय, डम 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 डमरु बजाय, गूंज उठा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, ऐसी कामना हम माँ जगत जननी से आपके लिए करते रहेंगे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।